हेलो एवरीवन, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पे देखा गया है ना कि बच्चे को हर एक विषय से प्यार होता है तो कुछ विषय से डर भी लगता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में ये देखा गया है कि वो गणित से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, गणित से ज़्यादा डरते हैं और मैक्सिमम जो लड़कियाँ होती हैं वो भी गणित से बहुत ज़्यादा डरती हैं। सारी लड़कियाँ नहीं डरती, कुछ लड़कियाँ तो ऐसी हैं जो बहुत टॉपर होती हैं, मैथ्स की भी टॉपर होती हैं, लेकिन मैक्सिमम लड़कियाँ भी डरती हैं गणित से और लड़के भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग डरते ज़रूर हैं मैथमेटिक्स से। और आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर किया होगा कि जिस बच्चे की गणित में ज़्यादा पकड़ अच्छी होती है उसके बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे होते हैं। क्या ये कभी आपने नोटिस किया? अगर किसी की मैथमेटिक्स अगर अच्छी है तो उसके बाकी सब्जेक्ट भी उसके अच्छे होते हैं, है कि नहीं? तो ये मैथ्स को हर सब्जेक्ट का क्वीन कहा जाता है। तो जो डर बैठता है वो कहाँ से बैठता है, क्यों बैठता है, इस डर को हमें कैसे दूर करना चाहिए, गणित को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उस सब्जेक्ट में और अच्छा कर पाओगे, जो आपका डर है वो हमेशा के लिए चला जाएगा, वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले जो डर देखो कहाँ से आता है। सबसे पहला जो मैं डर बोलूँगा, जब आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, गणित का पहला चैप्टर है और चैप्टर पढ़ने से पहले ही कुछ आपके दोस्त जो दोस्त होते हैं, ठीक है, सर्कल में, वो बोल देते हैं कि यार ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा टफ है, ये यहाँ से टफ है, वो वहाँ से टफ है। तो ये जो मन में डर बैठा देता है एक बंदा, ठीक है, हालांकि आपको वो पता ही नहीं है, आसान चैप्टर होगा ना, और अगर बंदा आके बोल दे कि भाई ये टफ है, तो जब पढ़ने बैठोगे आपका माइंडसेट क्या है कि भाई ये टफ है, हालांकि वो आसान है, लेकिन आपके मन में वो टफ टफ बैठा हुआ डर बैठ गया स्टार्टिंग से ही कि यार टफ होगा। एक्चुअल में है आसान, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डर बैठ गया कि उस टॉपिक को लेकर कि अरे भाई मुझे तो समझ में आएगा ही नहीं। तो भाई तुम जब पहले से ही हार मान के बैठ चुके हो कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो फिर कैसे ही आएगा समझ में वो, है ना? तो जब कभी भी कोई पढ़ने से पहले कोई चीज़ डिसाइड नहीं करनी है, हो सकता है कि उसको नहीं आया, उसे टफ लगा है, तो भाई तुझे टफ लगा है ना, मुझे थोड़ी ना टफ लगेगा, अभी तो तुमने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं, जिसके बीच में बारे में तुमने देखा नहीं पढ़ा नहीं, उसके बारे में आप विचार कैसे बना सकते हो कि वो टफ है कि वो आसान है। तो बिना पढ़े बिना देखे कभी भी अपने दिमाग में वो चीज़ नहीं डालनी है कि वो आसान है या टफ है, पढ़ो फिर देखो क्या है। उसके बाद नंबर टू, हमारा फोकस। जब हम क्लासरूम में बैठते हैं और जब हमें टीचर पढ़ा रहा होता है तो हमारा फोकस सही तौर पे नहीं बन पाता और तब जाके हमारे मन में डाउट्स आने लगते हैं। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारे बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर आप क्लास टेंथ में हो तो बेसिक कैलकुलेशन जो होती है, जोड़ना घटाना गुणा भाग लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ एचसीएफ एलसीएम दुनियादारी, ठीक है, ये सब आना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बेसिक्स में आती हैं, तो बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स अभी आपको कोई नहीं सिखाएगा, अगर आप ट्वेल्थ में, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाना है तो वो थोड़ी ना सिखाया जाएगा अभी, ठीक है। तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। क्लासरूम में जब बैठोगे तो आप हमेशा फोकस के साथ बैठोगे, जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको पढ़ोगे। टीचर के कई बच्चे होते हैं मुंडी ऐसे ऐसे करते हैं सर के साथ, समझ में आया, हाँ कैसे हुआ क्यों हुआ उसको पता नहीं आ रहा है, लेकिन टीचर के आई के साथ आई मिला के कॉन्टैक्ट करके बोल रहा, हाँ सर आ गया, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अगर उससे पूछा जाए तो उसको नहीं आ रहा है कुछ भी। तो हमेशा सर से, टीचर से पूछा करो क्यों कैसे, अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछो, ठीक है, तिबारा पूछो। अपने दोस्त ऐसे ग्रुप बनाओ जिनमें ग्रुप स्टडी हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हमें 100% आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें 80% समझ में आता है, बाकी 20% या 70% या 50% समझ रहे हो। तो जब आप चीज़ों को घर पे जाके एक बार रिवाइज करोगे, दो बार करोगे, तब आपको समझ में आता है। अगली जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि जब भी कोई टीचर आपको एक क्वेश्चन करा रहा है, घर पे जाके दोबारा उस क्वेश्चन को खुद से करना है, ठीक है, एक बार रिवाइज करना है और कोशिश करनी है कि उस क्वेश्चन से मिलता जुलता एक से दो क्वेश्चन आप खुद और बनाओ, खुद आपको और एक बार बनाना ही बनाना है। जब एक क्वेश्चन आपने देखा, उसी क्वेश्चन को आपने एक बार घर पे आके रिवाइज किया, सेम क्वेश्चन को, और उसके बाद उस क्वेश्चन से मिलते जुलते एक से दो क्वेश्चन जब आप बना दोगे, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, जो आत्म खुशी होगी अंदर से, वो अलग ही लेवल की होगी, वो अलग ही लेवल की होगी। आपको ऐसा फील होगा, अरे यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैं सीख गया, ऐसा आएगा तो मैं कर दूंगा। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी जब ये फीलिंग आएगी ना तो समझना कि हाँ सच में मैं कुछ सीख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है बच्चे क्या करते हैं कि
जो टॉपिक उनको आसान लगता है ना, बच्चा बार बार वही करता है, और जब किसी टॉपिक को वो थोड़ा कठिन महसूस करता है तो वो उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हो। पहली बात, जब आप पढ़ाई करोगे प्रॉपर वे में तो कोई चीज़ टफ या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, सभी आसान है, ठीक है, सब ईजी है। जब भी हमारा फोकस लैग होता है, कॉन्सेंट्रेशन लैग होता है, तो चीज़ें हमें टफ लगने लगती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप रिवाइज करोगे तो देखो, जब आप रिवाइज करोगे तो ये दो चीज़ रखो, अगर आप चैप्टर वन निपटा चुके हो और चैप्टर टू में अभी आप गए हो, तो चैप्टर टू के बाद जब आप चैप्टर थ्री में जाओगे तो आपको बैक एंड में चैप्टर वन और टू भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना है। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर से चैप्टर आगे बढ़ते हैं और वो छूते ही नहीं है भाई, उसको वैसा का वैसा पढ़ा रहता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपने गणित का चैप्टर नंबर 2-3 पढ़ लिया तो बैक एंड में चैप्टर नंबर 1-2 रिवाइज करते रहो टाइम टाइम के साथ। हफ्ते में एक बार चैप्टर पर नज़र पड़नी चाहिए पीछे के, ठीक है। जब वो छूट जाएंगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी बाद में। तो कहते हैं ना, टच बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आप कई लोग ऐसे हैं जो अभी कक्षा 10 में है, 12 में है, लेकिन कक्षा 6-7 का कुछ पूछ दूँ तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है भाई, ह्यूमन नेचर होता है। अगर आप चीज़ों के साथ टच में नहीं रहोगे, चाहे आप कितने ही PhD भी अगर आपने कर रखी है ना, अगर आप 4-5 साल नहीं पढ़ाओगे या पढ़ोगे नहीं या किसी को पढ़ाओगे नहीं और फिर आपसे मैं पूछूँ तो आप नहीं बता पाओगे। ये ह्यूमन नेचर है, हम कंप्यूटर नहीं है, हम मानव हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर आप 12th के अभी टॉपर हो, स्टेट टॉपर हो, पूरे उत्तराखंड बोर्ड, पूरे इंडिया के टॉपर तुम ही क्यों ना हो, अगर 5 साल के लिए तुम्हें बिठा दूँ, ठीक है, अलग जगह रख दूँ, तुम्हारा कॉपी किताब से कोई नाता नहीं है, तुम 5 साल में वो चीज़ें पूरा भूल जाओगे पूरा। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए जब भी आप चैप्टर के साथ आगे बढ़ रहे होते हो तो बैक एंड में बाकी चैप्टर्स को भी टाइम के साथ रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और एक चीज़ क्या करना है कि हमेशा अपना लेवल बढ़ाने की चेष्टा करनी है, किसी एक पोजीशन पे आगे स्टक नहीं होना है। बच्चे क्या करते हैं, NCERT पढ़ रहे हैं, NCERT बेसिक चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी किताब होती है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ NCERT कर रहे हो तो आप गणित में आपका लेवल कभी बढ़ा ही नहीं पाओगे, ठीक है। NCERT हमने कर ली, NCERT के बाद क्या करो, थोड़े अच्छे किताबें और पढ़ो, RD शर्मा लगा लो, RS अग्रवाल लगा लो, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन बना लो, अपने लेवल को हमेशा बढ़ाने की चेष्टा किया करो। ये नहीं कि एक पोजीशन पे आके फिक्स हो गए, अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल दिया। देखो, NCERT पढ़ने से आप स्कूल के एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर ला पाओगे, लेकिन अगर आपको IIT, ठीक है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसी लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी और उसी लेवल का सोचना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं आजकल के ज़माने में, सारा अगर कोई बच्चा कोचिंग जा रहा है तो वो सर कोचिंग के ही क्वेश्चन करेगा ओनली, ठीक है। अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल के ही कोचिंग क्वेश्चन कर रहा है ओनली, बस आगे के एक आध क्वेश्चन लेवल को बढ़ाता ही नहीं है भाई। जब तक बढ़ाओगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा, ठीक है। अगर टीचर एक क्वेश्चन करा रहा है तो उस क्वेश्चन को घर पे आके एक बार रिवाइज करना है और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन 2 कम से कम तुम खुद बनाओ तो बात बनेगी, तो चीज़ों को आप सीखोगे। अलग चीज़ है अगर आपका गणित में मन नहीं लगता है, गणित से आपको डर लगता है, तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप गणित की भी एक फियर कॉपी बनाओ। इससे आपका क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट है गणित के विषय में वो डेवलप्ड होगा। गणित का नोटबुक मैंने बहुत बच्चों को देखा है, 95% से ज़्यादा बच्चे हैं जो गणित की फियर कॉपी नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं गणित, सीधा सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, और वो भी रफ कॉपी में। ऐसा नहीं है, मैंने क्लास 12 तक कभी भी कोई फियर कॉपी नहीं बनाई, जिसका मुझे आज भी रिग्रेट है। लेकिन जब मैं मैंने BSc की, जब मैंने MSc की, तो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, क्वेश्चंस विद आंसर्स। देखो, गणित मेरा प्रिय विषय हमेशा रहा है, कक्षा 12 तक भी मैं अच्छा हूँ गणित में, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन में आया, जब मैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में जा, तो मेरी गणित और भी अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता था, प्रॉपर मैं देखो सेल्फ स्टडी करने के बाद क्वेश्चन को लिखता था, क्वेश्चन लिखने के बाद उसके सोल्यूशन को लिखता था कलरफुल तरीके से, जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है उसको वहाँ पर लिखता था। और एक चीज़ क्या करता था, जब मैंने, ये मेरा क्वेश्चन है सपोज करो और ये मैंने सोल्यूशन किया, तो मैं हर क्वेश्चन में एक छोटा सा डब्बा बनाता था, ठीक है, जो फॉर्मूला लगा रहा है उस फॉर्मूले को मैं कलरफुल तरीके से लिखता था, और इस क्वेश्चन में अगर कोई की पॉइंट है उसको मैं अपने शब्दों में यहाँ ज़रूर लिखता था हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इससे क्या होता था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो तुमने टेक्निक है वो पता चलेगी, जब तुम बाद में रिवाइज करोगे
तो वो तुम्हें हेल्प करेगी। और जब ये नोट्स तुम प्रॉपर बनाते रहोगे तो तुम्हारा गणित के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और इससे अच्छा क्या होगा, इससे तुम्हारी रिविज़न भी होगी, ठीक है, एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। उस नोट से तुम फ्यूचर में बच्चों को पढ़ा सकते हो, अपने छोटे भाइयों को दे सकते हो, ठीक है, इवन नोट्स तक तुम अच्छे से बेच सकते हो, ठीक है। आजकल नोट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है। मेरे BSc MSc के नोट्स, मेरे जब मैं पहले ऑफलाइन में पढ़ाता ना, सब ले गए। अब मैं उनसे मांगता हूँ, वो लौटाते नहीं है, ठीक है। जब मैं क्लास BSc में था, MSc में था, तो मेरे नोट्स पूरे कॉलेज में बढ़ते थे, ठीक है, कि भाई तारक तू अपने नोट दे दे, मुझे अपने नोट दे। क्यों? क्योंकि मैं अच्छे तरीके से लिखता था। मेरे नोट्स अगर देख के ना बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाते थे, ऐसे नोट्स बनाता था मैं। तो नोट्स ज़रूर बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, इससे भी आपका गणित में विषय में जो प्यार है वो बढ़ेगा, ठीक है। और टाइम टाइम के साथ रिवीजन करनी है और टेस्ट भी देना है। बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, गणित से का डर लगता है, बाकी विषय के वो टेस्ट एक बार दे भी देते हैं, गणित का वो नहीं देते। अगर देखो आप टेस्ट की तैयारी करोगे ना, तो आप पैकेट में चीज़ों को रिवाइज करोगे। कोई क्वेश्चन अगर आप सपोज करो तैयार कर लिया है, जो भी तुमने टीचर ने पढ़ाया आपने तैयार कर लिया है, टेस्ट में जो क्वेश्चन टीचर ने कराए थे उससे थोड़ा अलग लेवल का आ गया, अब क्या होगा, अगर आपसे एक आध क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप बाद में देखोगे कि भाई क्वेश्चन क्यों नहीं बना, वो क्वेश्चन क्या है, फिर आप उसकी तैयारी करोगे। चाहे वो टीचर कराएगा ही कराएगा, जिसने टेस्ट लिया वो कराएगा ही कराएगा, मैं भी टेस्ट लूँगा तो मैं भी कराऊंगा। और क्लास 9 से लेकर 12 तक मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ मैथ्स अपने चैनल फ्री में, BSc BTech का भी पढ़ा रखा है, आपको पता है। टेस्ट रेगुलर बेस पे देना चाहिए, मैं तो कहूँगा कम से कम 15 दिन में एक बार टेस्ट तो देना चाहिए, वैसे तो हफ्ते में देना चाहिए। अगर आप हफ्ते में नहीं दे रहे हो टेस्ट, तो महीने में दो बार टेस्ट देना ही देना है। जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे, जो आपका एग्जाम फियर है वो दूर होता है, प्रॉपर आपकी एक रिविज़न होती है, नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसको सीखने को मिलता है। अब इन तरीकों को अपने लाइफ में उतारोगे ना, तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, और चीज़ देखने को मिलता है, जब कोई क्वेश्चन आसान होता है उसको बार बार पढ़ता है, मजे मजे में पढ़ता है, दोस्तों को भी बताता है, लेकिन जो क्वेश्चन उसको टफ लगता है वो उसे छोड़ देता है। नहीं, जब भी आप रिवाइज करो, जो क्वेश्चन आता है ना उसको बस एक बार दो बार कर लिया, उसके बाद सिर्फ देखना है, हाँ ये ऐसा है, ये होता है, मुझे आता है। लेकिन वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट लगे, जिस क्वेश्चन को तुम्हें टफ फील होता है ना, उसको तुम्हें ज़्यादा अटेंशन देनी है, ठीक है। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको अगर आप इम्प्रेस करना चाहो तो वो आप एक बार जाओगे, ठीक है, वो इम्प्रेस नहीं होगी, लेकिन जब जब आप बार बार एफर्ट लगाओगे, जो उनको अच्छा लगता है वो करोगे, तो वो आपके प्रति इम्प्रेस ज़रूर होंगी। तो कुछ हार्ड क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जिनको वो हमसे अटेंशन मांगती है, तो उनको अटेंशन दो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार दो, एक टाइम ऐसा आएगा वो क्वेश्चन तुम्हें खुद अटेंशन देगी और वो तुम्हें आने लगेंगे, ठीक है। तो हार्ड बोल सोच के बोल के छोड़ नहीं देना है, उसके पीछे लगे रहना है। जब भी आप रिवाइज करो, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देनी है, जो ईजी है उसको भी देखना है, जो टफ है उसको भी देखना है। टफ है तो छोड़ना नहीं है कि भाई इसे तो मैं करूँगा ही नहीं। हर चैप्टर के हिसाब से फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, चार्ट बनाओ, दीवारों पर चिपका दो, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम फॉर्मूला जरूर लिखो। कोशिश करो कि जब जो तुम सीख रहे हो ना, उसको किसी को सिखाने की चेष्टा करोगे, इससे क्या होगा, आपका रिविज़न भी होगा और आप कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, साल साल भर में नहीं भूलोगे। जो टीचर्स होते हैं ना, वो देखो कि उनको चीज़ें बहुत देर तक याद रहती हैं, सालों साल याद रहती हैं, ठीक है। हम टीचर हैं, हम किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं ना, तो हमें फॉर्मूला, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम टफ बना हुआ रहता है, क्योंकि हम उस चीज़ के साथ यूज टू हैं, उस चीज़ के साथ बड़े हैं, उसको बार 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 पढ़ा रहे हैं। तो वही चीज़ है, जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो उस चीज़ को सिखाने की चेष्टा करो अपने दोस्तों को, तो देखना आपका रिविज़न भी होगा और आप उस चीज़ में मास्टर बन जाओगे। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, आप गणित के टॉपर बन के रहोगे। गणित से डरना नहीं है, गणित एक ब्यूटीफुल विषय है, ठीक है। जिनको अगर आप जो भी मैंने बताया ना, इनको लाइफ में अप्लाई करो, धीरे 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 आप गणित में मास्टर बन जाओगे। वीडियो को शेयर करें, और क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ाई जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, और इस वीडियो